हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिग बॉस 13 में शहनाज गिल इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो हियर एंजॉय द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ नीविया का मॉइस्चराइजर। और गाइस, अभी ये सीज़न चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको अपने स्किन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेस पे मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। देन मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, लॉन्ग लास्टिंग है। देन मैं यहाँ पे लैक्मे 925 नेचुरल सीसी हनी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। और गाइज, ये मैंने अभी न्यू परचेज किया, तो मैंने सोचा इसको अप्लाई करते फिर आपके साथ इसका यू नो रिव्यू शेयर किया जाएगा। देन तो मैं इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने पूरे फेस पे एक ब्रश की हेल्प से। देन मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का यू नो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। और कंसीलर अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी होता है गाइज, जिससे आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से उठ के आए, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही ब्यूटी फुल लगे। तो अगर आपके अंडर आईज थोड़ा डार्क सर्कल है तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देन मैं यहाँ पे कॉम्पैक अप्लाई कर रही हूँ, अगेन ये वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक, और बहुत ही ब्यूटीफुल कवरेज देता है हमारे फेस पे जब हम मेकअप कर लेते हैं उसके बाद, कॉम्पैक ये कॉम्पैक है। देन मैं इसको फेस एंड नेक दोनों पर अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे जो शहनाज गिल के आईब्रो है बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने मेबेलिन न्यूयॉर्क की पेंसिल काजल से जो है अपने ब्रोज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है डार्क वे में, क्योंकि जो उनकी आईब्रोज है बहुत ज़्यादा डार्क उसमें शो कर रही है। तो इसके तरीके से मैं जो है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर रही हूँ काजल से, क्योंकि उतना पिगमेंटेड ब्रोज नहीं है मेरे पास, नहीं रखती हूँ मैं। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सेम मेबेलिन क्लोजोल का पेंसिल काजल। और गाइस, हमेशा आप ध्यान रखिए अपनी आईब्रोज जो हमेशा नेचुरल दिखाने की कोशिश कीजिए। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट से शिमरी ब्रिक कलर लेकर के, और एक बहुत ही लाइट सा बेस है इसमें जो शहनाज गिल का है, तो उसको एक बेस रेडी कर रही हूँ। दैट्स इट, शिमरी ब्रिक कलर का एक बेस है ये, तो उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्केच पेन काजल है ये, आईलाइनर है, स्केच पेन आईलाइनर, और इसको अच्छे से अपने आईज के ऊपर लगा ले रही हूँ। तो गाइज, अगर आप बिगनर हैं और आपको यू नो काजल अप्लाई करने में, आईलाइनर अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है लिक्विड, तो आप स्केच पेन आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपके ऊपर। देन मैं यहाँ पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और गाइज, इसमें शहनाज गिल के जो मस्कारा है वो फॉल्स आई लैशेज नहीं है, ओनली उनकी जो यू नो लैशेज उनकी बहुत ही अच्छी है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे काफ़ी कोट किया था, देन मेरे जो आई लैशेज है उस तरीके से उभर के आए हैं। देन मैं यहाँ पे ग्लैम 21 HD प्रो के कॉन्टोरिंग पैलेट से कॉन्टोर कर रही हूँ अपने जॉ लाइन को, क्योंकि गाइस जो शहनाज गिल की जॉ लाइन है थोड़ी सी शार्प दिख रही है इमेज में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नोज को एंड यू नो फोरहेड को, जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ, जिससे फेस थोड़ा शार्प दिखे। और कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो। देन मैं यहाँ पे ब्लू हेवन के ब्लश से ब्लश कर रही हूँ, और यहाँ पे जो उनका मेकअप है शहनाज गिल का बहुत ज़्यादा यू नो बोल्ड नहीं है, बट स्टिल उनके पे ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोरिंग पे काफ़ी वर्क किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है अपना मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लेकर हाईलाइटर लेके जो है अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स के ऊपर फोरहेड पे। एंड देन मैं यहाँ पर लैक्मे 925 की ये है लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक है, इसको मैं एक अच्छे से टिंट दे रही हूँ। देन थोड़ा सा ग्लॉसी बना रही हूँ, क्योंकि जो लिपस्टिक है प्रॉपर शहनाज गिल की जो इमेज है उसमें लिपस्टिक प्रॉपर नहीं है, जस्ट एक लिटिल बिट लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक का मिक्सचर दिख रहा था मुझे इसमें। एंड दिस इज माई फाइनल लुक।
तो गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस एक और अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड या आप बताइएगा आपका बिग बॉस में कौन फेवरेट कंटेस्टेंट था, और जो है मुझे बहुत अच्छा लगा शहनाज गिल का ये यू नो लुक रिक्रिएट करने में। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, बाय गाइस, लव यू, बाय बाय।